है बस गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे हम इसका कट आउट। सो गाइस, जितने भी बंदे को मैंने पूछा है और कमेंट आता है मेरे को इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी आता है कभी कभी, मतलब कि फ़ोटो को एडिट करने पे मतलब कि हम लोग का फ़ोटो को नुकसान हो जाता है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में हम कुछ इसी चीज़ के बारे में बातें करेंगे। सो गाइस, जल्दी से चैनल पर जो जो बंदे नए हैं वो बंदे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। तो इसलिए कि मतलब कि हम लोग को थोड़ा मिले, इसलिए कह रहा हूँ। तो गाइस, हम चलते हैं वीडियो की ओर। सो गाइस, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हमारा ये रहा ऐप्स एंड इसी ऐप के बारे में आज हम बातें करेंगे, क्या है नहीं है। जो इसका नाम है पिक्सेप प्रो, जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी का देता है। तो उसको खोलने पे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा एंड न्यू पिक्चर लेके आप उसमें भी आप कटआउट कर सकते हो, बट हम ये नहीं करेंगे। हम अपना फ़ोटोज़ में जाएंगे एंड अपना सबसे बेहतर वाला आपके नज़र में जो होगा ना, उसको आप चुन लेना बैकग्राउंड में। तो हम चुन लेता हूँ ये रहा, एंड इसका मैक्सिमम साइज़ आप जितना होगा ना उसको टच करना मैक्सिमम होगा। किसी में नॉर्मल भी आ सकता है, वो नॉर्मल ही बात है। देखो, इसको जितना भी आप जूम करो ना, जूम होते जाएगा, बस ज़्यादा नहीं होगा। फिर यहाँ से जाएंगे ये सेकंड वाले ऑप्शन पे एंड इंसर्ट पिक्चर करेंगे एंड इस पर जिस मॉडल को आपको इरेज करना है उसको चूज़ कर लेना है एंड आपको हिसाब से अपना क्रॉप कर लेना। मेरा हिसाब से इतना क्रॉप होगा, इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये हो गया डन एंड इसको कर लेंगे एंड इसको कर लेंगे यहाँ से डन। एंड गाइस, देख लो थोड़ा सा, ये भाई साहब तो सही है। एंड इसको यहाँ से हम करेंगे इरेजिंग स्टार्ट। तो गाइस, आप लोग ब्रश देख लो पहले, कैसा ब्रश है। ये चरकुट है, गोल है और फिर ये भी गोल ही है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत अच्छा है। एंड इसी ब्रश को आप यूज़ करना, देखते अच्छा रहेगा। यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं अपना इरेजिंग। तो गाइस, आप लोग को हम यही बताना चाहते हैं, जितना बारीकी से आप लोग कटआउट करोगे, जितना जूमिंग करके ऐप में, उतना आपको बेटर होगा कि अच्छे से आप कटआउट कर सकते हो। इतने अच्छे से शानदार से ना, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कटआउट ऐप करके कहीं का। अब ये चिपकाने वाली बात है, तो ऐसा बैकग्राउंड में चिपकाना कि सूट का है तुम्हारे पिक्चर के साथ, ये नहीं कि कहीं भी चिपका दी तो सब चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो जिस पिक्चर में आपको सूट करे उसी में। और एक और बात कि आप हर एक कोने में आपको जा कर ये यूज़ करना पड़ेगा, हर एक कोने में मतलब कोने में जाकर मत करने लगना है हर एक कोने में, मतलब फ़ोटो का कोने में। ये जैसे कि यहाँ का कुछ भी मतलब नहीं दिखाई, कि ये देखो एक छोटा छोटा चीज़ को जूम करके आप यूज़ कर सकते। बताना चाहता हूँ, तो हर जगह को आप करोगे ना, नहीं बेटर बनेगा आपका फोटो। हाँ, पहला बात करें आप अपने मॉडल को एंड बॉडी को मॉडल दोनों देखिए, वह मतलब कि जिस चीज़ को आप इरेज करना चाहते हो ना, पहले अंडरलाइन कर लेना, यानी इरेज कर लेना किनारे मॉडल को एंड जिस चीज़ को इरेज करना है उसके किनारे आप इरेजिंग कर लेना। उससे ये होगा कि ना कि आपको पता चलेगा कि हम मॉडल को अपना कर चुके हैं, तो अब किनारे का वो आसानी वाला पार्ट होता, तो वो बाद में भी अपना जूमिंग कर सकते हैं। ये भाई सब गाड़ी हो गया इरेज, तो जाएंगे हम यहाँ से ये बने ड्रॉ टूल में। ये देखिए ड्रॉ टाइप का है, उसको टच करेंगे एंड अपना उगा लेंगे, पहले जैसा आ जाएगा आपको एंड फिर से अपना इरेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और गाइस, जो जो चैनल पर नया है वो लाइक करो या कमेंट करो एंड पहला बार सब्सक्राइब करो। एंड यार भाई साहब यहाँ भी छूट गया, चलो इसको भी तो है ला देते हैं वापस एंड और वापस एंड यहाँ इरेज। तो यार गाइस, हम कर लेते हैं अपना पहले तो इसको अच्छे से अंडरलाइन। हाँ, एक बात और कि आप बालों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। यार आप बालों को बहुत अच्छी तरीके से कर भी लेना, अच्छे से हो जाएगा। जूमिंग कर करके हर एक बाल को आप मतलब यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो बैकग्राउंड से, तो अपना निकालना। ये देखो हर एक चीज़ को मतलब
इतनी बारीकी से आप रिलीज कर सकते हो ना, क्या बोले, लाइक फोटोशॉप तो नहीं कर सकते ना, क्वालिटी का दे सकते हैं फोटोशॉप क्वालिटी का। ये भाई साहब हो गया मेरा अंडरलाइन, एंड अब करेंगे रिलीज तो ले लेंगे हम ये वाला ब्रश एंड इसका साइज कर लेंगे बड़ा, एंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना इरेज करना। तो इरेज करेंगे हम अच्छे से, तो अच्छे से करना यार, क्योंकि इरेज अच्छे से नहीं करोगे तो फ़ोटो का मतलब नहीं हुआ। इसमें कम से कम तुम्हारा टाइम वेस्ट आधा घंटा हो सकता है, आधा घंटा एक घंटा, क्योंकि किसी को होता है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि जितना कटआउट में आपको समय लगाओगे ना उतना अच्छा क्वालिटी का आप लोग का फ़ोटो बनेगा। हम जानते हैं कि हम आप लोगों से बेटर नहीं है, कि हम बेटर फोटो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट यही आपको बताना चाहते कि आप थोड़ा मेहनत करो ताकि आप लोग का प्रोफेशन अच्छा दिखे, दूसरे के सामने अच्छा बन सके प्रोफेशन। तो गाइस ये हमारा हो गया इरेज, कुछ बाकी और ये हो गया, एंड गाइस सो के एंड चश्मा में थोड़ा इरेज हो गया, तो इसको उगा लेते हैं हम यहाँ पे हल्का हल्का उगा लेंगे ताकि गोल दिखे, एंड चश्मे का अंदर वाला पार्ट भी हल्का से इरेज करना है मेरे को, तो दूसरा लेके ब्रश एंड इसको इरेज, नहीं 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 ये नहीं, बैक करो एंड फिर से साइज छोटा कर लो, नहीं ब्रश लेने दे देते हैं, साइज को पूरा छोटा करके स्ट्रेंथ को, एंड इसको करेंगे इरेज अच्छे से। तुम ना मतलब क्या बोलो, जब तक कि आप कुछ दिल से ना लगे ना कि मतलब कि अच्छा हो रहा है, तब तक के उसको आप इरेज करना। मेरा दिल तो कर रहा है अभी, अच्छा सीरीज नहीं हुआ, और करो और करो, इसे यहाँ सीरीज किए जा रहे हैं और क्या, थोड़ा आँख के पास रह कर थोड़ा और इसको ड्रॉ करते हैं, साइज़ ड्रॉ चाहिए हमको, साइज ये ले लेते हैं एंड इसको करेंगे हम यहाँ से ये थोड़ा और, ये हो गया अब कुछ ठीक लग रहा है फोटो हमारा, इसको कर लेंगे डन एंड इसको करेंगे यस सेव कटआउट, यस करना, ये नहीं कि नो कर देना तो आप लोग का मेहनत सारा का सारा चल जाएगा हवा में, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड गाइस अब हम अपने चलते हैं गैलरी में, दिखाते तुमको क्या है, ये आ गया हमारा ओरिजिनल पिक एंड ये हुआ हमारा कटआउट। तो भाई साहब यहाँ तो ये अलग चीज़ हो गया और बच भी गया, क्या छोड़ो ऐसे, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। गाइस इसका हम देख लेते हैं डिटेल क्या है, तो गाइस इसका साइज है 379 KB एंड इसका कितना हो सकता है इमेजिन कर लो, एंड इसका गाइस देख सकते हो आप 6.7 MB। बस यही कहना चाहता हूँ यहाँ कि बहुत अच्छा क्वालिटी का दिया, इसके लिए हम इस ऐप के लिए थैंक यू है, एंड अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ सपोर्ट करते रहना, तब तक के बाय।